आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल्स एंड प्लांट्स। प्लांट्स में बहुत सारे तरीके के लाइफ साइकिल पैटर्न्स होते हैं, और इन पैटर्न्स को समझने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि जो टर्म्स इसमें इस्तेमाल होती हैं वो हमें क्लियर नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे हमें ये नहीं पता होता स्पोर क्या होता है, गेमीट में और स्पोर में क्या डिफरेंसेज हैं, स्पोरोफाइट क्या होता है, गेमिटोफाइट क्या होता है। तो जब तक आपको ये टर्म्स क्लियर नहीं होंगी तब तक आप लाइफ साइकिल के पैटर्न सही से समझ नहीं पाएंगे। एक मोटी बात आप लोगों को याद रखनी है कि प्लांट्स में दो इंपॉर्टेंट फेजेस हैं लाइफ साइकिल में। पहली जो फेज है वो डिप्लॉइड फेज है, और दूसरी फेज क्या है, हैप्लॉइड फेज है। ये दोनों फेज एक दूसरे को ऑल्टरनेट करती हैं, एक दूसरे के आगे पीछे आती हैं, एक से दूसरी बनती है, दूसरे से पहली बनती है। इसी तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एल्गी में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, उसको थोड़ा समझने में आपको दिक्कत भी आएगी, किंतु कोई बात नहीं है, हम लोग अच्छे से उसको समझने की अभी कोशिश करेंगे। किंतु ब्रायोफाइट्स में टेरिडोफाइट्स में जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में एक क्लियर कट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें देखने को मिलता है। तो यहां अभी एक लाइफ साइकिल आपको समझा रहे हैं, ये लाइफ साइकिल इन चारों के लिए ही है, ऐसा नहीं किसी एक की स्पेसिफिक है, बाद में हम इसको स्पेसिफाई करेंगे, किंतु अभी एक जो प्लान बना रहे हैं वो एक जनरल प्लान है जो इन सभी पर लागू होता है। तो उसको आप लोगों को समझना है, और इसमें जो बेसिक टर्म्स जिनकी भी मैंने चर्चा की थी, स्पोर्स हैं, गैमिट्स हैं, स्पोरोफाइट, गैमिटोफाइट, ये भी सब आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए। तो सबसे पहली जो फेज है उसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट या स्पोरोफिटिक फेज। एक थंब रूल आपको याद रखना है, वो ये कि कोई भी प्लांट हो, चाहे ब्रायो हो, टेरिडो हो, जिम्नो हो, एनजीओ हो, एल्गी हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, आपको याद रखना है कि स्पोरोफिटिक फेज इज ऑलवेज डिप्लॉइड फेज। कोई भी प्लांट हो हमेशा कैसी फेज होगी, ये डिप्लॉइड फेज होगी, क्रोमोसोम का नंबर इसमें डबल होगा। तो ये याद रखिएगा, अच्छे से दिमाग में रखिएगा। इसी तरीके से जो दूसरी फेज होती है दैट इज कॉल्ड गैमिटोफिटिक फेज, इसको भी आपको याद रखना है कि ये फेज हमेशा कैसी फेज होगी, हैप्लॉइड फेज, क्रोमोसोम का नंबर इसमें हाफ होगा। तो कोई भी प्लांट हो, थंब रूल इसमें भी यही है कि चाहे ब्रायो हो, टेरिडो हो, जिम्नो हो और या एनजीओ हो, सभी तरह के प्लांट्स में गैमिटोफिटिक फेज इज ऑलवेज हैप्लॉइड फेज। वेरी गुड। अब दूसरी बात आपको याद रखनी है, ये भी एक थंब रूल के तरीके से याद रखिए, कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पोरोफाइट, द फंक्शन ऑफ स्पोरोफाइट टू प्रोड्यूस स्पोर्स, हमेशा ये याद रखें। तो स्पोरोफाइट का फंक्शन क्या है, टू प्रोड्यूस स्पोर्स। तो याद हमेशा रखना है कि स्पोर किससे प्रोड्यूस होगा, हमेशा स्पोरोफाइट से प्रोड्यूस होगा, यानी कि हमेशा डिप्लॉइड फेज से प्रोड्यूस होगा। स्पोरोफाइट जो स्पोर्स हैं वो कभी भी गैमिटोफिटिक फेज से प्रोड्यूस नहीं होंगे। हाँ, यहां पर थोड़ा सा मैं एक डिस्टिंक्शन आपको कर दूं, एक क्लियर कर दूं एक बात, कि स्पोर्स जो होते हैं ये एसेक्सुअल भी होते हैं और सेक्सुअल भी होते हैं। यहाँ पर हम लोग सेक्सुअल साइकिल पढ़ रहे हैं, तो जो स्पोर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सेक्सुअल स्पोर्स हैं, ये एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं है, इनके बारे में किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सेक्सुअल स्पोर्स हैं जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के दौरान बनते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि ये स्पोर्स स्पोरोफिटिक फेज से ही बनेंगे, यानी कि डिप्लॉइड फेज के ही प्रोडक्ट होंगे, कभी भी गैमिटोफिटिक फेज से ये स्पोर्स नहीं बनेंगे। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैमिटोफाइट, द फंक्शन ऑफ गैमिटोफाइट इज टू प्रोड्यूस गैमिट्स। और गैमिट्स आपको मालूम है दो तरीके की होती हैं, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द गैमिटोफिटिक फेज, द फंक्शन ऑफ गैमिटोफिटिक फेज इज टू प्रोड्यूस गैमिट्स। यहां एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि स्पोर्स और गैमिट्स एक ही चीज नहीं होती। आप देख रहे हैं स्पोर्स स्पोरोफाइट के द्वारा बन रहे हैं और गैमिट्स गैमिटोफाइट के द्वारा बन रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि दोनों एक ही चीज नहीं हो सकते, बट दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि स्पोर्स भी हैप्लॉइड होते हैं और गैमिट्स भी हैप्लॉइड होती हैं। ये दोनों के बीच में एक सिमिलैरिटी है, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज कर जाते हो कि स्पोर और गैमिट में क्या डिफरेंस है। बोथ आर हैप्लॉइड बट बोथ आर नॉट सिनोनिम्स, दोनों एक ही चीज नहीं है।
याद रखेंगे इस चीज को। अब दूसरी बात आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि स्पोरोफाइट तो डिप्लॉइड है, जबकि स्पोर क्या है? हैप्लॉइड है। तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कैसे बना? तो आपको अच्छे से याद है कि जब हमें किसी डिप्लॉइड चीज से हैप्लॉइड चीज बनानी है तो हम कौन सा सेल डिवीजन यूज करेंगे? वेरी गुड। यहां पर कौन सा सेल डिवीजन यूज करेंगे? मियोसिस। प्लांट्स में इसको हम आरडी भी बोल देते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। तो हमेशा याद रखेंगे, बिल्कुल पक्का थंब रूल है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है कि स्पोरोफाइट स्पोर्स को बनाएगा, हमेशा किसके द्वारा बनाएगा? मियोसिस के द्वारा बनाएगा। और स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं। अब एक बात और यहां पे नोट कर लीजिए कि जितनी भी हैप्लॉइड स्टेजेस हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स प्लांट बॉडी के अंदर हैप्लॉइड हैं, वो सारे के सारे गैमेटोफिटिक फेज का हिस्सा है। और जितने भी स्ट्रक्चर डिप्लॉइड हैं, ये सारे के सारे स्पोरोफिटिक फेस का हिस्सा है। ये बात अपने दिमाग में आप लोग अच्छे से बैठा लीजिए। क्लियर हो गई? अब एरोस को आपस में मिला दीजिए। स्पोर्स को यदि हम आगे की तरफ बढ़ाएं तो क्या बन गया? गैमेटोफाइट। गैमेट को आपस में फ्यूज कराएं तो क्या बन गया? जाइगोट। और जाइगोट से क्या बन गया? मैच्योर स्पोरोफाइट। जाइगोट कैसा होता है? जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो आपसे पूछा जाए, यदि इस वाली बात को आपको दिमाग में रखना हो, हैप्लॉइड स्टेज और डिप्लॉइड स्टेज को, तो जाइगोट कैसा होगा? जाइगोट स्पोरोफाइट होता है या गैमेटोफाइट? क्योंकि ये डिप्लॉइड है तो कैसा होगा? स्पोरोफाइट। स्पोर क्या होगा? यहां बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं। 99% बच्चे जब अपनी पहली बार एग्जाम दे रहे होते हैं तो वो क्या लिखते हैं? स्पोर तो स्पोरोफाइट ही होगा, क्योंकि नाम से रिजेंबलेंस देखते हैं, स्पोर और स्पोरोफाइट। तो ये आपको कंफ्यूजन यहां क्लियर कर लेना है कि स्पोर इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन। व्हाई? बिकॉज इट इज हैप्लॉइड। आई हैव टोल्ड यू द ऑल हैप्लॉइड स्टेजेस इन प्लांट, दे आर गैमेटोफिटिक फेज, दे आर द पार्ट ऑफ द गैमेटोफिटिक फेज। तो इसीलिए स्पोर्स क्या है? स्पोर्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर एंड देयरफॉर दे आर द पार्ट ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन। वेरी गुड। नाउ ये समझना है कि स्पोर से क्या डेवलप हो रहा है? गैमेटोफिटिक फेज। तो एक क्वेश्चन आएगा पीएमटी में या नीट में कि विच इज द फर्स्ट सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन। उसमें ऑप्शंस होंगे, स्पोर भी होगा, गैमेट्स भी होगा, जायगोट भी होगा, और कुछ भी हो सकता है, नन ऑफ दीज वगैरह। तो आपको आंसर क्या लगाना है? विच इज द फर्स्ट सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन? तो आंसर शुड बी स्पोर्स, क्योंकि मियोसिस के बाद जो पहली हैप्लॉइड सेल बन रही है वो क्या है? स्पोर्स है, गैमेट नहीं है। तो ये बात अपने दिमाग में एकदम आपको क्लियर रखनी है। समझ में आ रहा है? तो स्पोर्स जो हैं, ये फर्स्ट सेल हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन की, और जब ये मैच्योर करती हैं तो फिर क्या बनाती है? मैच्योर गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या डेवलप करेगा? सेक्स ऑर्गन्स, जिसमें क्या बनेंगी? गैमेट्स। अब एक बात और भी याद रखनी है कि गैमेटोफिटिक फेज ऑलरेडी हैप्लॉइड है, गैमेट्स भी हैप्लॉइड है। तो एनिमल्स में आप लोग क्या देखते हो कि गैमेट्स दे आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस, किंतु यहां पर प्लांट्स में आपको एक बात याद ये रखनी है, क्योंकि ऑलरेडी एक साइकिल के अंदर मियोसिस हो चुकी है और गैमेट को बना कौन रहा है? ऑलरेडी एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो इसका भी यदि आधा कर देंगे, मियोसिस करा देंगे, तो फिर तो एक्स बाई टू हो जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता, किसी भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के अंदर मियोसिस हो ही नहीं सकती। तो याद ये रखना है कि प्लांट्स के अंदर जो गैमेटोफाइट से गैमेट बनेगी, ये सिंपली माइटोसिस के द्वारा बनेगी। यहां कोई फर्दर मियोसिस नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी साइकिल के अंदर मियोसिस हो चुकी है। तो प्लांट्स के अंदर जो गैमेट्स बनेंगी वो कैसे बनेंगी? माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा बनेंगी, क्योंकि ये गैमेटोफाइट से बन रही है। इसके बाद गैमेट्स ने आपस में फ्यूजन किया, इस प्रोसेस को आप क्या नाम देते हो? फर्टिलाइजेशन। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? जायगोट। तो जायगोट वो पहली सेल है लाइफ साइकिल के अंदर जो कि डिप्लॉइड है, इसीलिए जायगोट कैसा हो गया? स्पोरोफिटिक फेज का हिस्सा हो गया। गैमेट्स हैप्लॉइड हैं, इसीलिए किसका हिस्सा होगा? गैमेटोफाइट का। सो आई थिंक नाउ यू आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्पोर्स एंड गैमेट्स। स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक फेज, वेयर एज गैमेट्स आर द फाइनल सेल्स ऑफ द गैमेटोफिटिक फेज, दे आर मीन फॉर फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर वो स्पोरोफाइट बना देंगी, और फिर जायगोट डेवलप करके मैच्योर स्पोरोफाइट बनाएगा।
तो ये जो बेसिक लाइफ साइकिल का पैटर्न है ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, अगेन गैमेटोफाइट एंड अगेन स्पोरोफाइट, दिस इज व्हाट इज नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्लियर हो गई, वेरी गुड। तो आइए अब देखते हैं कि डिफरेंट प्लांट्स में लाइफ साइकिल के क्या क्या पैटर्न्स होते हैं। यदि हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलें तो डिफरेंट प्लांट्स में तीन तरीके की लाइफ साइकिल पैटर्न देखने को मिलते हैं। देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल पैटर्न्स इन प्लांट्स। नंबर वन इज कॉल्ड हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, नंबर सेकेंड इज डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न, एंड थर्ड वन इज हैप्लो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये तीन डिफरेंट टाइप के लाइफ साइकिल पैटर्न देखने को मिलते हैं, इनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे पूरा। हैप्लोन्टिक, हैप्लोन्टिक में कौन सा वर्ड प्रीडोमिनेट कर रहा है? हैप्लोन्टिक, इसका मतलब क्या है, कहां से निकला ये? हैप्लॉइड से। हैप्लॉइड का मतलब गैमेटोफिटिक फेज, यानी कि प्लांट की जो लाइफ साइकिल है उसमें जो मेजर पार्ट है, मेजर पार्ट बल्कि कहना चाहिए पूरा का पूरा पार्ट थोड़ा सा छोड़ करके, वो कैसा है? हैप्लॉइड जनरेशन का है, यानी कि गैमेटोफिटिक है। और स्पोरोफिटिक जनरेशन बहुत थोड़ी सी देर के लिए बन रही है और केवल एक सिंगल सेल के द्वारा रिप्रेजेंट हो रही है, जिसे आप जायगोट बोलते हैं। तो केवल जायगोट ही इसमें स्पोरोफिटिक फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और रेस्ट ऑफ द जो प्लांट है उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सब गैमेटोफिटिक यानी कि हैप्लॉइड है। इस तरह की लाइफ साइकिल मोस्ट ऑफ द एल्गी में हमें देखने को मिलेगी। इसको यहां समझ सकते हैं हम लोग कि जो जायगोट है ये खुद ही स्पोरोफिटिक फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और जायगोट के बनने के तुरंत बाद इसी के अंदर मियोसिस हो जाती है। इस प्रोसेस को जायगोटिक मियोसिस बोलते हैं और इससे आपको मालूम है मियोसिस होने के बाद क्या बनेगा? स्पोर। स्पोर डेवलप करके क्या बनाएगा? प्लांट बॉडी, यानी कि प्लांट बॉडी कैसी हुई? हैप्लॉइड। और गैमेटोफाइट क्या बनाएगा? गैमेट्स, और गैमेट्स फ्यूज करके क्या बनाएंगी? जायगोट। तो इस तरीके से आप लोग क्या देख रहे हैं कि लाइफ साइकिल का जो मेजर पार्ट है वो सारा का सारा गैमेटोफाइट का बना हुआ है और केवल एक छोटा सा जो पार्ट है वो केवल स्पोरोफाइट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है और स्पोरोफाइट कौन है? यहां जायगोट इटसेल्फ। तो इस तरीके का जो लाइफ साइकिल पैटर्न है इसे बोलते हैं हम हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। इसके एग्जांपल मोस्ट ऑफ द एल्गी हैं, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं वॉल्वॉक्स, जैसे स्पायरो वगैरह, जैसे बहुत सारी स्पीशीज हैं क्लेमाइडोमोनास की, तो ये आप लोगों को एग्जांपल्स याद रखने हैं, वॉल्वॉक्स, स्पायरो वगैरह और क्लेमाइडोमोनास स्पीशीज। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरे नंबर पर हम लोग लेते हैं डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में जैसा नाम से आप देख रहे हैं डिप्लो, इसका मीनिंग क्या हुआ कि मेजर पार्ट ऑफ द जो लाइफ साइकिल है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिप्लॉइड फेज, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पोरोफिटिक फेज। तो इसमें जो मेन प्लांट बॉडी है वो आपकी कैसी है? स्पोरोफाइट है। मेन प्लांट बॉडी जो कि फोटोसिंथेटिक है, इंडिपेंडेंट है और बाकी के सारे स्ट्रक्चर्स इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। स्पोरोफाइट क्या बनाएगा? स्पोरेंजिया बनाएगा, जिसमें क्या बनेंगे? स्पोर्स। ये आप सबको मालूम है किसके द्वारा होगा? मियोसिस के द्वारा। स्पोर्स क्या बनाएंगे? एक वेरी शॉर्ट डिपेंडेंट एंड फ्यू सेल्ड
स्ट्रक्चर जो गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या बनाएगा? गैमेट्स, मेल और फीमेल। और एक गैमेट्स फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाएंगी? जाइगोट। और जाइगोट डेवलप करके क्या बना देगा? स्पोरोफाइट। तो इस तरीके के लाइफ साइकिल पैटर्न में आप क्या देख रहे हैं कि स्पोर, गैमेटोफाइट और गैमेट्स ये बहुत थोड़ी सी देर के लिए बनेंगे। यानी कि गैमेटोफाइट इतना छोटा होगा कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जस्ट फ्यू सेल्स। ये डिपेंडेंट होगा, इसका इंडिपेंडेंट अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि ये स्पोरोफाइट से ही नरिशमेंट वगैरह के लिए, सारी चीजों के लिए इस पर डिपेंड करेगा। और गैमेट्स तुरंत बनते ही जाइगोट बना देंगे। जो मेन प्लांट बॉडी है, लाइफ साइकिल का जो मेजर हिस्सा है, वो स्पोरोफाइट के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। तो इस तरीके की जो लाइफ साइकिल पैटर्न है, ये जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, ऑल जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स। अमेजिंगली इस टाइप के लाइफ साइकिल पैटर्न हमें कुछ एल्गी में भी देखने को मिलते हैं, जैसे एक ब्राउन एल्गा है फ्यूकस। ये एग्जांपल आप लोग जरूर याद रखिएगा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो थोड़ा सा हट करके एग्जांपल्स होते हैं, जनरली क्वेश्चंस उसी पर फ्रेम किए जाते हैं। तो ये फ्यूकस को भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। तो सभी के सभी एंजियोस्पर्म्स में और जिम्नोस्पर्म्स में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न हमें देखने को मिलेगा, जिसमें स्पोरोफिटिक फेज यानी कि जो डिप्लॉइड फेज होती है, ये मेन होती है। और पूरी प्लांट की लाइफ साइकिल का मोर देन 90% हिस्सा स्पोरोफाइट यानी कि डिप्लॉइड फेज के द्वारा बना होता है। अब हम लोग देखेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में इस लाइफ साइकिल में भी बेसिक जो थीम है वो वही रहेगी। ठीक है ना, इसमें भी आपका जाइगोट होगा जो डेवलप करके क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट आप सबको मालूम है क्या बनाएगा? मियोसिस के द्वारा स्पोर्स। ये स्पोर डेवलप करके क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट। और ये गैमेटोफाइट फिर बनाएंगे गैमेट्स, और गैमेट फ्यूज फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाएंगे। तो ये वही बेसिक प्लान है जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। यहां पर नाम क्या है लाइफ साइकिल का? हैप्लो और डिप्लो, यानी कि दोनों वर्ड यहां पर यूज हो रहे हैं, हैप्लोइड और डिप्लोइड। यानी कि लाइफ साइकिल में दोनों की ही इंपॉर्टेंस है इक्वली, स्पोरोफाइट की भी और गैमेटोफाइट की। यानी कि 40-60 का रेशियो रहता है इनके बीच में। स्पोरोफाइट कहीं डिपेंडेंट हो जाता है और गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट हो जाता है, जैसा कि आप ब्रायोफाइटा में देखते हो। और टेरिडोफाइटा में आप क्या देखते हो कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट की है, यानी कि 60% वेटेज इसकी रहती है और 40% वेटेज गैमेटोफाइट की रहती है, यानी कि ये डिपेंडेंट हो जाता है टेरिडोफाइट्स। तो इस तरीके के लाइफ साइकिल में आप लोग देख रहे हैं कि दोनों ही तरीके की जो फेजेज हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ये कंसिडरेबल टाइम के लिए बनती हैं और लाइफ साइकिल में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो जैसे ब्रायोफाइटा में मैंने आपको बताया, यहां पर गैमेटोफाइट क्या है? मेन प्लांट बॉडी। मेन जो प्लांट आपको ब्रायोफाइटा का खड़ा दिखाई दे रहा है, वो गैमेटोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही फोटोसिंथेटिक है और इंडिपेंडेंट है। और जो स्पोरोफिटिक फेज है, ये शॉर्ट लिव्ड है। और इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये डिपेंडेंट है। किंतु यदि आप टेरिडोफाइटा में देखो, टेरिडोफाइटा में जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है। और ये इंडिपेंडेंट है। और जो गैमेटोफिटिक फेज है,
ये शॉर्ट लिव्ड है और डिपेंडेंट है। टेरिडोफाइटा में गैमेटोफिटिक फेज को हम क्या बोलते हैं? प्रोथेलस। तो ये याद रखना है कि प्रोथेलस गैमेटोफिटिक फेज होती है टेरिडोफाइट्स की, जो कि डिपेंडेंट होती है और शॉर्ट लिव्ड होती है। इसी में सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं जो गैमिट्स बनाते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के बाद फिर आपका जायगोट और स्पोरोफाइट बनाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि प्लांट्स में तीन तरीके के लाइफ साइकिल पैटर्न्स हैं। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, जहां हैप्लोइड फेज पूरी तरह से प्रीडोमिनेट कर रही है। डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में डिप्लोइड फेज पूरी तरह से प्रीडोमिनेट कर रही है, जिसके एग्जांपल्स एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स हैं। और तीसरी तरीके की लाइफ साइकिल जो हैप्लोडिप्लोन्टिक है, जहां हैप्लोइड और डिप्लोइड फेज कंसिडरेबल टाइम के लिए बनती हैं, और ब्रायोफाइट्स में हैप्लोइड फेज ज़्यादा प्रीडोमिनेट करती है डिप्लोइड फेज को, जबकि टेरिडोफाइटा में डिप्लोइड फेज ज़्यादा डोमिनेंट होती है कंपेयर टू हैप्लोइड फेज। तो इस तरीके से इनके एग्जांपल्स आप लोगों को अच्छे से याद रखने हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे कुछ एल्गी हैं, जैसे पॉलीसाइफोनिया जो कि एक रेड एल्गा है, जैसे एक ब्राउन एल्गा भी है एक्टोकार्पस, ये दोनों जो एल्गी हैं, इन दोनों के अंदर भी आपको इसी तरीके का लाइफ साइकिल पैटर्न देखने को मिलता है हैप्लोडिप्लोन्टिक। तो ये तीनों तरह के जो लाइफ साइकिल पैटर्न्स हैं, ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर होने चाहिए नीट के लिए। जो डिफरेंसेस हैं मैंने आपको शुरू में बताया था, जाइगोट में, स्पोर्स में, गैमिट्स में, स्पोरोफाइट में, गैमिटोफाइट में, वो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होने चाहिए। और तीसरी चीज, इनके जो एग्जाम्पल्स हैं ये भी आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से वीडियोज़ देखते रहिए, औरों को भी बताइए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें एनकरेजमेंट मिलता है आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने का। थैंक यू वेरी मच।